तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जीमेल आईडी बनाने के लिए आपके फ़ोन में जीमेल होगा तो उस जीमेल ऐप्स को ओपन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ राइट साइड में यहाँ लोगो का दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऐड अनदर अकाउंट, तो इस ऐड अनदर अकाउंट पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ आपको मिल जाता है गूगल, तो गूगल पे हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। आपको अपना जीमेल न्यू बनाना है तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अकाउंट, इस पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है, फॉर माय पर्सनल यूज और फॉर वर्क माय बिजनेस। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फॉर माय पर्सनल यूज। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और यहाँ आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है। तो मैं यहाँ अपना नेम डाल दी हूँ। नीचे आपको मिल जाता है नेक्स्ट का ऑप्शन, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, डे मंथ और ईयर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली हूँ। अब हमें जेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फीमेल हैं, लेडीज हैं, तो फीमेल पे कीजिएगा, और अगर आप मेल हैं तो मेल पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं फीमेल पे क्लिक कर ले रही हूँ। अब हमें नीचे मिलता है ऑप्शन नेक्स्ट का, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ क्रिएट ए जीमेल एड्रेस दिया है, तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिख देना है, वही आपका यूजर नेम रहेगा। कोई भी अगर आपका जीमेल मांगेगा तो आपको वही देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। सभी यहाँ पे स्मॉल लेटर में होना चाहिए और स्पेस नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। और यहाँ पे आपको अंक भी लिख देना है जिससे आपका नेम कुछ यूनिक लगे। अब हमें नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो यूजर नेम मैं यहाँ पे डाली हूँ वो पहले से ही किसी का है। यहाँ पे लिख रहा है द यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर, तो हमें कुछ दूसरा यहाँ पे लिखना है। आपको नीचे यहाँ पे सजेस्ट में दे देगा, अगर आप चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं, कुछ यूनिक दूसरा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने मन से यहाँ पे दो बार तीन बार ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। तो जो ये सजेस्ट में दिया है मैं वही लिख दे रही हूँ। अब हमें नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। तो यहाँ पे पासवर्ड जो है आपको नंबर और लेटर मिक्स करके बनाना है जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे, कोई हैक ना कर सके। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना ले रही हूँ। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना ली हूँ। अब हमें नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन है यस आई एम इन, इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्किप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। अब हमें नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स, नीचे आई एग्री का ऑप्शन है, तो आपको आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जीमेल अकाउंट बन गया है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप सभी को जीमेल अकाउंट बनाना सिखाई हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।